आप ऑफिस जाते हैं या घर से काम करते हैं, चाहे आप किसी भी तरह से काम करते हो, एक चीज तो पक्की है, आजकल वर्क फ्रॉम होम WFH काफी चलन में है। लेकिन क्या आप जानते हैं WFH का असर आपके अपार्टमेंट चुनने के तरीके पर भी पड़ रहा है? नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर कैसे घर ढूंढने के ट्रेंड को बदल रहा है। हम जानेंगे कि WFH करने वाले लोगों के लिए किस तरह के अपार्टमेंट ज्यादा उपयुक्त हो सकते हैं। 1. लोकेशन अब जरूरी नहीं, पहले घर का चुनाव लोकेशन के हिसाब से होता था ताकि ऑफिस जाने में कम समय लगे, लेकिन WFH में ऑफिस जाने की झंझट ही खत्म हो जाती है। अब लोग ऐसे इलाकों को चुनने की आजादी ले रहे हैं जहां शांत वातावरण हो और रहने का खर्च कम हो। 2. स्पेस एंड अमेनिटीज टेक प्रायोरिटी। जब पूरा दिन घर से काम करना हो तो एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट शायद काफी ना हो। लोग अब ऐसे घरों की तलाश कर रहे हैं जहां एक अलग से वर्क स्पेस बनाने की जगह हो, अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी और घर के जिम या पार्क जैसी सुविधाएं भी ज्यादा अहम हो गई हैं। 3. फ्लैटमेट्स का चुनाव भी बदल रहा है कुछ लोगों के लिए। अकेले रहते हुए WFH मुश्किल हो सकता है, इसलिए कुछ लोग ऐसे फ्लैटमेट्स ढूंढ रहे हैं जो WFH करते हों ताकि घर पर काम करने का माहौल अच्छा रहे। चाहे आप WFH करते हो या ना करते हो, ये ट्रेंड आपके लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। अगले अपार्टमेंट की तलाश करते समय अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखें। आपको कैसा लगता है? क्या WFH आपकी अपार्टमेंट चुनने की पसंद को प्रभावित कर रहा है? कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।